छोड़ा है अपने स्वीटू के लिए। ये स्वीटू कौन है मामा? मैं बताऊं तुम्हें कौन है, चलो अंदर उठो। आप एक काम करें, ये इमली वाइल्ड टॉफ का है, इससे सचमुच में रोना आता है। ये मोदी का ऑफिस कहीं बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा, जब भी घर में कोई अहम काम होता है इसका बैंड बजना शुरू रहता है। मैं मना करके आती हूं डैडी को। आ जाओ। और ये तुम्हारी क्यों बत्ती से निकल रही है? मैं सोच रहा था कि हमारे ड्राइंग रूम को आप लोगों ने रेलवे स्टेशन क्यों बना रखा है। वो इसलिए कि इन बच्चों ने जिंदगी को भी 24 घंटे की इंस्टा की स्टोरी या रील समझ लिया है। बहुजान, आई स्वेयर, मेरी स्टोरी चेक कर ले, मैंने कल लगाई थी कि हमने ब्रेकअप कर लिया, आप चेक करें। 436 मरतबा पहले भी लगा चुके हो तुम। अंकल आशु कुछ भी कहे, मैं यहाँ पे आ गई मुस्तकिल। इतने सारे ब्रीफ केसेस लेकर, इसमें मेरे जूते हैं, इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें मेकअप है, इसमें टिकटॉक का सामान ज्यादा है। नहीं नहीं बहुत मुख्तसर है ये तो। आप इसकी वालदे से बात करें ना बाबू भैया। हाँ हाँ बेटा, तुम अपनी अम्मी को फोन लगाओ। उनका नंबर तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहुत ही गैर खानदानी हरकत की है तुमने। अरे बेटा, हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम जाओ यहाँ से। क्यों नहीं रख सकते? ये मेरे हबी का घर है, हमारा निकाह हुआ है, मैंने तो इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दी है। क्या? यही के अनार के लिए अपने सलीम अंकल के घर चली। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस हबी का तो मैं कीमा बना दूँ। अरे छोड़े ना। बाबूजान, आप अपने नंबर से इसकी वालदा को ट्राई करें ना फोन। जान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलीम कॉल लगाओ। नहीं अंकल, अगर आपने ऐसा किया तो मैं स्विमिंग पूल में छलांग लगा के खुदकुशी कर लूंगी। स्विमिंग पूल में छलांग मार के कौन मरता है? मैं कौन सा मरने के लिए खुदकुशी कर रही हूँ? तुम फिर आ गई? मामा आपको डैडी बुला रहे। अरे जाओ भाई, तुम दो चार घंटे तुम्हें ना देखे ना तो वो भी डैडी होने लगता है। जाओ। चलो मेरे साथ। अरे बाबूजान, आप सुकून से अपने कमरे में जाके क्यों नहीं बात करते इसकी मम्मा से? अरे इस मती और इसके बैंड के होते हुए सुकून तो हम सबको कब्र में मिलेगा। अरे यार तुम नंबर दो ना, पता नहीं किसकी कॉल आ रही। मैं आ रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ। तुम आराम से बैठ के।